नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, जहां अंतरिक्ष में मानवता का एक अद्भुत आश्चर्य मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह से बाहर शून्य गुरुत्वाकर्षण में इंसान कैसे रहते और काम करते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे अंतरिक्ष स्टेशन की अद्भुत दुनिया के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम ISS कहते हैं, एक ऐसा स्टेशन है जो हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। यह मानवता की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। ISS का वजन 420 टन है और इसका आकार एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। इसमें 16 देशों का योगदान है, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इसे अंतरिक्ष में 1998 में लॉन्च किया गया था और तब से यह विज्ञान और तकनीक का गढ़ बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ISS को एक बार में नहीं बनाया गया? इसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया और फिर वहां जोड़कर बनाया गया। इस प्रक्रिया में कई वर्षों का समय लगा। अमेरिका का नोड एक मॉड्यूल, रूस का ज्वार्जडा और जापान का कीबो मॉड्यूल जैसे हिस्सों को जोड़कर इसे तैयार किया गया। हर मॉड्यूल अपनी भूमिका निभाता है, जैसे रहने के लिए जगह, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और सौर ऊर्जा उत्पादन के पैनल। अब सवाल उठता है कि वहां रहना कैसा होता है? अंतरिक्ष में जीवन आसान नहीं है। यहां शून्य गुरुत्वाकर्षण में न तो आप आराम से चल सकते हैं, न ही खाना खा सकते हैं। यहां हर चीज हवा में तैरती है। पानी पीने के लिए आपको पाउच का इस्तेमाल करना पड़ता है और सोने के लिए खुद को बैग में बांधना पड़ता है, ताकि आप इधर उधर न तैर जाएं। लेकिन क्या ISS सिर्फ रहने के लिए है? बिल्कुल नहीं। यहां का मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक प्रयोग। अंतरिक्ष स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी का फायदा उठाकर दवाइयों पर रिसर्च की जाती है, नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण होता है और यहां तक कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश की जाती है। ये प्रयोग पृथ्वी पर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यहां काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का हर दिन बहुत व्यस्त होता है। सुबह 6 बजे उठकर वे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं वैज्ञानिक प्रयोग, स्पेसवॉक्स और मशीनों की मरम्मत। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उन्हें हर दिन 2 घंटे कसरत करनी होती है। और हाँ, अंतरिक्ष में खाना बनाना संभव नहीं है, इसीलिए खाना पहले से तैयार और पैक होता है। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन में जीवन आसान नहीं है। यहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे सीमित पानी और हवा, अंतरिक्ष की खतरनाक विकिरण और शारीरिक व मानसिक दबाव। इसके अलावा ISS पर सब कुछ मॉनिटर करना पड़ता है, हर मशीन, हर सिस्टम, क्योंकि अगर एक भी चीज खराब हो गई तो यह पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका भविष्य और भी रोमांचक है। नासा, ESA और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इसे चंद्रमा और मंगल जैसे गंतव्यों के लिए लॉन्च पैड के रूप में देख रही हैं। साथ ही निजी कंपनियां इसे स्पेस टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करने पर विचार कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन केवल विज्ञान और तकनीक का चमत्कार नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि जब मानवता एक साथ आती है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, इस तरह के और रोमांचक विषयों के लिए हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।